सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अली भाई। आई थिंक इनको आप जानते हैं, ये पहले मेरे कुछ व्लॉग्स में आ चुके हैं। इन्होंने GS150 ले लिया, इन्होंने बाद में उसको जो मॉडिफिकेशन वगैरह करवाई, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो आप लोगों के लिए होनी चाहिए जिसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये होगी कि अगर आप भी GS150 बाइक लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर अगर आप इस तरह की ब्लैक सिल्वर कम्बिनेशन के साथ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन अली भाई लेकर आए हैं। तो अली भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, आपने GS150 ही क्यों लिया? अरसान भी बात यह, GS150 लेने का मकसद जो था वो सबसे पहले स्पीड थी, टॉर्क थी और पायदारी थी। ये तीन चीज़ें इसके अलावा पाकिस्तान में किसी बाइक में फिलहाल नहीं नज़र आ रही। सही, और इसीलिए मैंने उनसे इसी को रेकमेंड किया कि उनसे GS150 लिया जाए और उसको मॉडिफाई कराया जाए। ये कौन सा मॉडल है? उससे पहले GS150 यूज़ करते थे, वो कौन से मॉडल आपने किस तरह चेंज किए? क्या सबसे पहले मैंने GS150 16 मॉडल लिया, वो यूज़ किया, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई लेकिन वो इतना मज़ेदार नहीं था। फिर उसको मैंने सेल किया, फिर 125 लिया, CG125 को भी मॉडिफाई करवाया लेकिन उसमें मुझे ये मज़ा नहीं आया जो मुझे अब इसमें आया है। और ये 19 मॉडल है, ये मैंने लिया था 1,40,000 रुपये का, और समझो ऊपर इसके ऊपर कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये और लग गया। आपने अभी की नई प्राइस नाज़रीन को बता सकते हैं? नई प्राइस इस टाइम चल रही 1,90,000 रुपया या 92,000 रुपया, इस टाइम नई प्राइस है विदाउट अलॉय रिम। विदाउट अलॉय रिम, अच्छा, यानी कि जो अलॉय रिम वाला है दो से ऊपर निकल। जी जी जी, ऐसे ही। और मेरे ख्याल से आपने अलॉय रिम वाला भी चलाया, ये भी आपने चलाया, दोनों में आपको डिफरेंस क्या फील आया थोड़ा सा ये भी बता दें? डिफरेंस और फिलहाल में ये फील आया कि जो सा अलॉय रिम्स जो था वो ऑन रोड नहीं है, ठीक है, आप उसको ऑफ रोड नहीं चला सकते, ऑन रोड ही ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं। सही। और स्पोक्स वाले में यह फ़ायदा है कि आप जो सा इसको ऑन और ऑफ दोनों में चला सकते हैं। सही। जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ जी बिल्कुल, आपको मतलब जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने डिफरेंस क्लियर किया था। तो अब चलते हैं, सबसे पहले आ जाएं लाइट की तरफ थोड़ा सा। ये बहुत ही प्यारी लाइट आफ्टर मार्केट इन्होंने लाइट, इसका कवर आप देख सकते हैं। अली भाई थोड़ा सा बताएं कि ये लाइट में आपकी कितने चार्जेस लगे, कहाँ से मिली, कैसे मिली? असलान भाई, ये लाइट मैंने ली थी न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी वालों से। सही, ठीक है। और ये लाइट और इसका ये जो ऊपर ग्लास है ये मुझे पड़ा था 5500 में। सही, थोड़ी सी करीब से नाज़रीन को लाइट दिखाएं। तो फ्रेंड, ये इसकी ब्राइटनेस है जिसमें हैलोजन बल्ब है, इसमें आपको मतलब के हाई एंड लो बीम की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। तो अली भाई, आपने चार्जेस पहले भी बताए थे, ये पूरा होल लाइट विद इसके अंदर जो हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी है इसमें, ये पूरा सेटअप कितने का आपको पड़ा? सिर्फ इसका बताएं, 5500 का पड़ा। तो ये सारा कवर अली भाई ने हमें बताया 5500, यानी कि 5500। उसके अलावा ये लाइट और ये जो अंदर आपने बड़ी प्यारी लाइट लगाई, इसका क्या खर्चा आया आपको? सर ये विद है, इसके साथ है। अच्छा, ये लाइट और ये ग्लास। सही है, ये मुझे 5500 रुपीज़। थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाएं नाज़रीन को, ये इसका विंडशील्ड वाला एक सिस्टम भी लगा हुआ है, मरल है नहीं है। अगर अली भाई अगर तेज़ भगाएं तो इसके अंदर अपना जो फेस अंदर कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। अली भाई, ये मेटल में इंडिकेटर्स? जी, ये मेटल में इंडिकेटर। सही, रेड कलर की लाइट देते हैं। जी, तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये आपको चार इंडिकेटर्स कितने के पड़े? सर ये पर पीस मुझे 500 में पड़ा। ठीक है, पर पीस 500 पर पीस 500 पड़ा। सही। और ये बूट कवर आपने कितने के लगवाए? जी ये 600 के दो।
तो आपको ये... बता रहा हूँ क्योंकि GS150 का जो पार्ट्स और काम दोनों बहुत ही महंगे होते हैं जी जी, तो इसलिए जो आम बाइक से जो इसका थोड़ा सा महंगा काम है। सही, मड गार्ड इसका जेन्युइन नहीं है, मड गार्ड इसका जेन्युइन था, इसको कटिंग करवा के मैंने कलर करवाया इसको। सही फ्रेंड्स, सस्पेंशन भी आपने कलर करवाया? हाँ जी, वो भी मैंने कलर करवाया। अब मुझे ये बताएं कि आपका ये सारा हिस्सा टोटल कितने में तैयार हुआ? सर ये पूरा हिस्सा आप समझ लें कि कम अज कम जो है 10,000 पूरे हिस्से के ऊपर लगे, सिर्फ फ्रंट पे आ गया। जी ठीक हो गया। अब थोड़ा सा जाते हैं पीछे, आ जाते हैं टैंक की तरफ। आई थिंक आपने ये जेन्युइन टैंक के ऊपर सारा काम करवाया? जी मैंने इसको, असल में इसका जेन्युइन कलर भी यही था, तो मैंने फिर इसी को जो है किया क्योंकि क्रोम के साथ मजा आ रहा था ये। सही, मतलब सिल्वर और आपने जी, सिल्वर और ब्लैक का कलर जो है वो मैचिंग हो गया इस वजह से, क्योंकि मेरा जो सर सिलेंसर है वो भी जो है क्रोम में ही था, तो मैंने इसको एज इट इज रखा कि चलो वो कलर जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा, गुड हो गया। अली भाई हैंडल बार के बारे में थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को, ये हैंडल बार आपने कितने का लगाया? सर ये हैंडल बार मैंने लिया था 800 रुपए का। सही ठीक है, उसके बाद मुझे 3,000 रुपए के सिर्फ ये क्लिप्स पड़े हैं चाँ जिसको मैंने उठाया इनको। सही ठीक है, ये मैंने draz.pk से मंगवाए थे, तो ये जो क्लिप्स है ये मुझे कम अज कम 3,000 रुपए के क्लिप्स पड़े हैं। उसके बाद ये मैंने असम्बली इसके साथ ये वाली नहीं आती, ये मैंने GR की लगवाई है। सही ठीक है, सुजुकी GR की। उसके बाद ये साइड मिरर्स लगवाए हैं, ठीक है, ये 1500 के साइड मिरर्स जो नीचे की तरफ लगे हुए, तो गुड हो गया। तो टैंक का आपने कलर कलर डाल के आपको कितने का पड़ गया ये टैंक? सर ये टैंक जो है विद टैंकी टप्पे, अगला मड गार्ड और पिछला मड गार्ड, ठीक है, ये कम अज कम 7,000 रुपये इसके ऊपर लगा। 7,000 एंड पे आपको टोटल कॉस्ट भी बताएंगे, अभी अलग अलग बता रहे हैं। डिजिटल मीटर प्लस एनालॉग ये भी दिखाएं जरा। डिजिटल मीटर मुझे पड़ा सर 3,500 रुपये का। 3,500 रुपये का, सही, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल गया वैसे मार्केट में, मार्केट में 4,500। सही है, सही। तो थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे एग्जॉस्ट की तरफ, बड़ा ही प्यारा साउंड भी आपको साथ ही चेक करवाएंगे। अली भाई ये क्या सोच के आपने बनाया है ये डिज़ाइन? मुझे तो थर्मिनेटर फिल्म में एक आया वो याद आ रही है इस टाइप। सर मैंने असल में मुझे हार्ले डेविडसन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सही, तो अभी तो जो सा हमारे यहाँ पर वो मज़ा नहीं, मतलब कि हम लोग नहीं है वो अभी परचेज कर सकते टैक्स वगैरह, आपको पता है बाइक इतने का नहीं जितने के टैक्स है। बिल्कुल, तो इसका जो ये चॉपर का ही है। सही, चॉपर का है सिलेंसर, तो इसको मैंने कटिंग करवा के इसके साथ फिर ये लगवाया। सही, अब इस सारी चीज़ में ना जो मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो ये किक, किक से इसकी शान में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। मैंने अली भाई से कहा भी था कि किक अगर आप हटा दें तो बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन कहते हैं यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान है तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो अली भाई थोड़ा सा नाज़रीन को साउंड भी चेक कराएं इसे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का। ये आपने साउंड सुना, अभी आ जाते हैं पीछे की कॉस्मेटिक्स की तरफ, जहाँ पर इन्होंने इंडिकेटर्स का, तो इन्होंने आपको बता दिया कि 500 का एक इंडिकेटर था। जी 500, ठीक है। लाइट पे आते हैं, बैक जो मड गार्ड है वो आपको बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइट की तरफ ले हैं, लाइट की आपको थोड़ी सी ऑन करके चेक करते हैं। अरे भाई लाइट कहाँ से मिली, कितने की मिली? असलान भी लाइट जो है ये भी मुझे न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी वालों से मिली थी। सही, ठीक है। असल में इस लाइट के पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं से मिल नहीं रही थी, फिर मैंने उनको कहा तो उन्होंने अवेल करके दी मुझे ये। ठीक है, ये लाइट जो है ये मुझे कम से कम पड़ी है 1700 रुपए की, एक लाइट 1700 रुपए की। जी, और उसके अलावा ये सर ये आपको पता है ये YBR के साथ आता है वैसे तो। जी जी, ठीक है। तो ये मैंने इसको फिर आफ्टर मार्केट लिया और ये मैंने लगवाया तकरीबन 1600 रुपए का। अली भाई अभी मजीद बात कर लेते हैं टायर्स की, कुछ चेंजिंग मुझे नजर आ रही है टायर्स के बारे में, आप बताएं कि टायर्स में बैक टायर में आपने क्या किया और फ्रंट टायर में आपने क्या किया? क्योंकि इसके साथ जो अपना टायर आता है वो आता है 1918 का, ठीक है, सही। और आगे जो सा होता है वो 9010 का होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है जी जी। तो मैंने इसका जो बैक टायर था 1918 जो है वो मैंने आगे लगवा लिया, सही, 90-90-18, ठीक है। और जो पीछे टायर लगा हुआ है वो आपको 110-90-18। तो टायर में आपको ग्रिप की कैसी लग रही है? ग्रिप जो है इसकी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। सही,
इस टायर की वजह से, और आगे जो उनसे पहले जो उनसे स्लिप हो जाती थी आपने देखा होगा, क्योंकि वो आते सीधे लाइन वाले टायर, तो आप ब्रेक मारते हो तो आगे से टायर स्लिप हो जाता है। बिल्कुल, ये वाला टायर लगाने की वजह से ये हो गया कि जब भी आप ब्रेक मारते हैं तो जो उनसे अपनी जगह पर रुक जाता है टायर, स्लिप नहीं करता। सीट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अली भाई, सीट के बारे में बताएं नाजरीन को। असलान भाई, सीट जो है इसकी अपनी सीट थी, जेन्युइन जो इसके साथ आती है, ठीक है जी। मैंने एक दो और सीटें भी देखी थी लेकिन वो इसके साथ जा नहीं रही थी, सही। मतलब जो चीज मैंने बनाई है उस तरह का वो मजा नहीं दे रहा था मुझे, सही। तो इसीलिए मैंने फिर जेन्युइन जो सीट को करके स्लिम करवा के इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसको सीट को बनाया। सीट काफी कंफर्टेबल है, आपने बैठ के भी चेक किया, सही। तो सीट और ये है कि ये सारा कुछ करने की वजह से बाइक बहुत हल्का हो गया। आपको पता होगा GS150 वेट में काफी हैवी बाइक है, बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने इसके ऊपर मॉडिफिकेशन किया तो ये पहले से बहुत ज्यादा हल्का हो गया। फ्यूल एवरेज में भी कोई फर्क आया होगा? नहीं सर, कोई इतना कोई खास नहीं आया, वही फ्यूल यूज कर रहा है, वही है जैसे कि। लेकिन ये है कि वैसे भी आपको पता 1:5 से बहुत कम खाता है ये, इसकी एवरेज 1:5 से बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें जो कार्बोरेटर और बटरफ्लाई आता है, और बटरफ्लाई की खासियत यही है कि एवरेज देता है। अली भाई सामने आए और टोटल बताएंगे इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, और ये खर्चा करने के बाद आपको इसमें अच्छाई क्या लगी और बुराई क्या लगी, सबसे पहले टोटल खर्चा बता दें। सबसे पहले टोटल खर्चा इसके ऊपर आया वो कम से कम 2,10,000 रुपए इसके ऊपर खर्चा आया। 2,10,000 बाइक को मिला के बता रहे? अच्छा अच्छा, मैं क्या ठीक ठीक, थोड़ा सा आवाम को डरा दिया आपने। नहीं नहीं, बाइक को निकाल के, अच्छा बाइक को निकाल के इसके ऊपर 60,000 रुपया खर्चा आया अफलान भाई, सही। ठीक है, हमारे यहाँ पर है कॉलेज रोड के पास बाबर भाई हैं, बाबर ऑटोस जी जी। वो सुजुकी वालों को पता होगा, जो सुजुकी चलाते हैं उनको पता होगा कि सुजुकी का बहुत अच्छा काम करते हैं, सही। ये बाइक सारा उन्होंने मॉडिफाई करवा के मुझे दिया, सही। अली भाई शाम हो रही है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं काम को। अब आप ये बताएं कि ये चीजें करवाने के बाद आपको अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा इसमें? असलान भाई अच्छा ही अच्छा लगा, अगर तो बुरा लगता तो मैं इसको पहले ही छोड़ देता, आधे में ही इसको कम्प्लीट ना करता। उसके अलावा बाइक की कोई अच्छाई या कोई बुराई? सर GS1 के हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है, सही। अगर ये कोई और होता तो मैं जरूर चाहता, क्योंकि आपको पता है GS150 वाहिद पाकिस्तानी बाइक है जो टूरिज्म में यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, सही। तो इसी वजह से बाइक ऑलमोस्ट A1 है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात तो आपको पता है, थोड़े से मसले आते हैं जो कंपनीज इश्यूज है, सही। अगर आप उनको हल करवा लेते हो तो आपका ओवरऑल बाइक जो है वो जबरदस्त हो जाता है, सही। कभी कोई कंपनी से कोई पाला तो नहीं पड़ा आपका इस मामले में? सर बहुत बड़े थे पाले, बहरहाल जब से बाबर ऑटोज वालों के पास मैंने जाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इतना इशू नहीं होता, सही। किसी भी पार्ट्स का, किसी भी चीज का, सही। तो फ्रेंड्स एक बार 4x4 बाइक आपको दिखा देते हैं, और आपको मैं एक बार दोबारा गाइड कर दूं कि अली भाई ने इसके ऊपर तकरीबन 60,000 रुपये का खर्चा किया है। अभी मजीद अली भाई का दिल है इसके ऊपर मजीद मॉडिफिकेशन करने का, और शाम हो रही है तो मैं शायद आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं माजरत हूँ कि यार रात का वक्त है, मतलब कि शाम का वक्त है, तो हमें इधर आते आते थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आज रास्ते थोड़े से बंद थे, मसला मसाइल चल रहे थे। तो ये थी आपके लिए मॉडिफिकेशन जो कि हमारे फ्रेंड अली भाई ने इसके ऊपर की। अगर आपका भी दिल कर रहा है इस तरह का बाइक मॉडिफिकेशन करने का या कुछ ऐसा ऐसा, तो अली भाई ने सारी डिटेल दी है, क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं, किस तरह से इन्होंने करवाया, किससे काम करवाया। और अली भाई ये जो आपने 60,000 रुपये बताया इसमें विद लेबर चार्ज सारा ऐड? लेबर चार्ज मैंने आपको बताया, सही। सारी लेबर के बिल्कुल साथ है, सही। ठीक है, और टोटल जितना भी काम है ये 60,000 रुपये में हुआ, सही।